हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज आपके लिए बनाने वाली हूँ मैं मैंगो वाली आइसक्रीम, या आप कह सकते हैं आम वाली कुल्फ़ी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है, और आम वाली कुल्फ़ी है तो बच्चे हो या बड़े, आम तो सबका फेवरेट होता है, और आइसक्रीम आइसक्रीम किसको पसंद नहीं है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि घर में हम बिल्कुल बाज़ार वाली आइसक्रीम या कुल्फ़ी कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं। तो इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए पहले हमें लेना है 1 लीटर फुल फैट मिल्क, या फिर आप कोई भी रेगुलर दूध जो यूज़ करते हैं ना वो लीजिए। और एक वाइट पैन, थोड़ा चौड़ा जो पैन होता है ना, उसमें गर्म होने के लिए रख दीजिए। इसको हमें इतनी देर पकाना है जब तक ये 3/4 ना हो जाए, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे, क्योंकि हमें इस बिल्कुल रबड़ी जैसा बिल्कुल इसे बना देना है, तभी जो हमारी कुल्फ़ी होगी ना बिल्कुल मलाईदार बनती है। और इसका एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो है ब्रेड। जी हाँ, इसमें मैं 2 पीस ब्रेड के यूज़ करने वाली हूँ, जिससे जो भी आप वाटर जो भी इसमें दूध में होगा ना, ये एब्जॉर्ब कर लेता है ब्रेड, और हमारी कुल्फ़ी बहुत ही मलाईदार बनेगी। तो इसे भी इसमें डालकर हम अच्छे से पका लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह इतना पका लेना है कि जो ब्रेड के पीसेस है ना, बिल्कुल पता ही ना चले कि हमने इसमें ब्रेड यूज़ की है। और सच मानिए, किसी को नहीं पता चलता कि हमने इसमें ब्रेड यूज़ की है। और जब ये बिल्कुल देखिए गाढ़ा हो चुका है और बिल्कुल रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है, तो मैंने 1 चम्मच दूध में थोड़ा सा केसर जो है ना वो भिगो के रखा था, तो वो इसमें डाल दूंगी। तो कोई भी हम मैंगो की कोई चीज़ खाते हैं, उसमें केसर का जो फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिए। और अगर केसर नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कुल्फी बनाइए, इलायची डालकर बहुत अच्छी बनेगी। और अब हमने इसमें 1 कप के करीब चीनी डाल दी है, तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर कुल्फ़ी में थोड़ी ज़्यादा चीनी डालिए, ताकि जब वो ठंडी होने के बाद ना चीनी का थोड़ा टेस्ट जो है वो कम हो जाता है, तो चीनी थोड़ी ज़्यादा ही डालिए। और इसके साइड्स को ना हम स्क्रेप करते रहेंगे, ताकि जो हमारी दूध की कंसिस्टेंसी बिल्कुल रबड़ी जैसी हो जाए। तो देखिए बिल्कुल रबड़ी वाला जो इसका टेक्सचर आ गया है ना दूध का, तो बस यही हमें चाहिए। और अब इसमें हम डालेंगे इलायची, तो कुल्फ़ी में इलायची ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो थोड़ी सी इलायची को ना हमने क्रश कर लिया है, और इसमें हमने इसे डाल दिया। अब हम दूध को ठंडा होने देंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। अब करीब 10-15 मिनट बाद जब दूध ठंडा हो जाए अच्छे से, तो हम इसे डालेंगे एक जार में, जो मिक्सर ग्राइंडर का जार होता है ना हमारा, उसमें पूरा दूध हमें जो रबड़ी हमने बनाई है वो डाल देना है, और इसे एक बार ग्राइंड कर लेना है, यानी एक बार मिक्सी में इसे चला लेना है। अब हमने इसे ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, और हम इसमें यूज़ करेंगे अब अपना आम। तो 1 कप के करीब आम है, यानी एक बड़ा आम जो होता है ना, उसके पल्प जो है वो इसमें डालकर, और फिर से हम एक बार इसे चला लेंगे मिक्सी में। तो अब मैं इसे एक प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्स में जमाने के लिए रखूँगी, क्योंकि इसका जो ढक्कन है वो टाइट सील एकदम बंद कर देता है, और कोई भी हवा जो है इस बॉक्स में जा नहीं सकती। तो ऐसा ही कोई जो भी आपके पास कंटेनर है ना, वो आप ये आइसक्रीम जमाने के लिए यूज़ कीजिए। अगर आप कोई ऐसे स्टील या किसी और बर्तन में जमा रहे हैं जिसका ढक्कन बहुत ज़्यादा टाइट सील नहीं है, तो आप ऊपर से फॉइल लगाकर और फिर ढक्कन बंद कीजिए, ताकि बिल्कुल भी एयर जो है ना वो इस बॉक्स में जा ना पाए। और इसे फ्रिज में हम रख देंगे 6 से 8 घंटे के लिए, या फिर आप रात भर के लिए रखिए, और नेक्स्ट डे आपकी आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो मैंने 8 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दिया था, और मेरी आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल कुल्फ़ी वाला जो टेक्सचर होता है ना बाज़ार वाला, बिल्कुल वही वाला टेक्सचर आया है जो मैंगो आइसक्रीम का आना चाहिए। तो बिल्कुल मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसको 1 घंटे बाद, जैसे फ्रीज़र में रखने के बाद एक बार फिर से मिक्सी में चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप इस मेथड से बनाते हैं तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली बार में ही आप फ्रीज़र में इसे जमाने के लिए रख सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह नाइफ से या कोई भी चाकू से ना आप इस तरह इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा काट लीजिए, मतलब थोड़ी गैप बना लीजिए, और आप चाहे ना तो थोड़ी देर पानी में इसे रख लीजिए, या 5 मिनट पहले आपको जब खाना हो 5 मिनट पहले इसे निकालें, ताकि ये अच्छे से निकल जाए। और इस तरह देखिए मैं आपको दिखाऊँगी कितनी अच्छे से
हमारी आइसक्रीम जमकर तैयार हुई है। वाव, इसका कलर देखकर तो बिल्कुल आम वाला जो कलर होता है ना, वही रंग आया है इसका। लग रही है ना बहुत टेम्पटिंग। तो अब मैं इसको काट कर दिखाती हूँ कि ये आइसक्रीम कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। बिल्कुल बर्फ़ का कोई क्रिस्टल नहीं है इस आइसक्रीम में और एकदम कुल्फ़ी वाला टेक्सचर है। तो बस बाज़ार की आइसक्रीम भूल जाएंगे अगर आप एक बार ये आइसक्रीम अपने घर में जमा लेते हैं ना। तो देखिए कितनी आसानी से ये निकल रही है ना। तो देखिए आप ये देखने के बाद तो बिल्कुल आइसक्रीम जमाने रख दीजिए और बहुत ही मज़ेदार है। आपको मज़ा आएगा, आपके घर वालों को मज़ा आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।